हेलो गाइस, तो आज एक कविता के साथ आया हूँ। ये कविता मैंने एक काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे पर लिखी है कि जो जो पेरेंट्स अपने बेटियों को बहुत समझते हैं ना, और जो गर्भ से पहले ही उनको मार देते हैं या उनको पैदा नहीं होने देते, तो उन पेरेंट्स के लिए यही कविता। इसका ना कुछ लाइनें सुनाता हूँ आपको। कि लड़की भी एक नारी है, ये लड़की भी एक नारी है, वो ना कोई बेचारी है। ये लड़की तो एक नारी है, वो ना कोई बेचारी है। जीने दो फिर इसको तुम, क्या वो बोझ तुम्हारी है। ये लड़की भी एक नारी है, वो ना कोई बेचारी है। जीने दो फिर उसको तुम, क्या वो बोझ तुम्हारी है। अगर मिटा दोगे लड़की का अंश तो कैसे बढ़ाओगे अपना वंश। अगर मिटा दोगे लड़की का अंश तो कैसे बढ़ाओगे अपना वंश। एक बार उसे बढ़ने दो, एक बार उसे बढ़ने दो, तोड़ा उसको पढ़ने दो। एक बार उसे बढ़ने दो, तोड़ा उसको पढ़ने दो। वो ऐसा कर दिखाएगी, आपका सर ऊंचा उठाएगी। लड़की लड़कों से बढ़कर होती है, लड़की लड़कों से बढ़कर होती है, वो दूसरों को खुश करके खुद रोती है। लड़की लड़कों से बढ़कर होती है, वो दूसरों को खुश करके खुद रोती है। सच कहता हूँ लड़की महान इंसान है, वो भी आपकी संतान है। फिर क्यों नहीं जीने देते उसको, क्या वो एक बेजान है। क्यों उसको मारते हो तुम, और क्यों उसे झलकारते हो तुम। क्यों उसको मारते हो, क्यों उसे झलकारते हो, क्यों लड़कों के लिए लड़कियों को मार डालते हो। क्यों लड़कों के लालच में बन जाते हो शैतान, क्यों लड़कों के लालच में बन जाते हो शैतान। आखिर वो भी कहती होंगी, आखिर वो भी कहती होंगी, हे भगवान क्या हम नहीं हैं इंसान। हे भगवान क्या हम नहीं हैं इंसान, हे भगवान क्या हम नहीं हैं इंसान। सो गाइज, ये कुछ लाइनें थी उन पेरेंट्स के लिए जो लड़कियों को बोझ समझते हैं या लड़कियों को जन्म नहीं लेने देते। तो ऐसा नहीं है, लड़कियां लड़कों से अच्छा काम करती हैं, और आपका ज़्यादा साथ लड़कियां देंगी। तो लड़कियों सेव गर्ल चाइल्ड। लड़कियों को ऐसे यार ऐसा नहीं समझना चाहिए। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लड़कियां चांद पे पहुँच गई। आप अपनी सोच से बाहर निकलो, दुनिया बदल जाएगी। थैंक यू गाइस।